News 18, India. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। किसानों के दिल्ली मार्च से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान आंदोलन का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मेडिफाई किए गए ट्रैक्टर्स और ट्रॉलियों को इकट्ठा नहीं होने की गुहार लगाई गई है। मॉडिफाई किए गए जो ट्रैक्टर्स हैं उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है और इसी को लेकर गुहार लगाई गई है। हरियाणा सरकार का कहना यह है कि ये कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हरियाणा सरकार ने अपनी याचिका में पंजाब सरकार पर कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को वहीं रोक दिया जाए। आपको बताएं, हरियाणा और पंजाब के तीन मुख्य बॉर्डर हैं जहां पर किसान इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं, डबवाली, शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर। और ऐसे में अब हरियाणा सरकार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है कि जो मॉडिफाइड ट्रक और ट्रॉली है वो अब खतरा बनते जा रहे हैं। सीधा चमन का रुख करेंगे। चमन, इस याचिका में क्या कुछ और कहा गया है? जिस तरह से जो हरियाणा सरकार की ओर से जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का इस वक्त जो है रुख किया गया है, और जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर है वहां पर जो किसानों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, और वहां पर जो किसानों के द्वारा जो है वो मॉडिफाइड ट्रैक्टर और ट्रालियां जो है वो इकट्ठा हो चुकी है, उन्हीं को जो है रोकने के लिए जो है वो प्रबंध किया जाए और उन्हें हरियाणा के जो और पंजाब के साथ लगते जो पंजाब के बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब, वहीं पे जो है रोका जाए और आगे ना बढ़ना दिया जाए, ताकि जो पंजाब से जो हरियाणा की तरफ अगर किसान कूच करते हैं तो वहां पर जो है शांति व्यवस्था जो बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब होए, उसी को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से जो है वो पंजाब हाई कोर्ट में जो है फिलहाल जो है याचिका दायर की गई है, और उसमें साफ कहा गया है कि इस याचिका की जो सुनवाई है वो आज ही की जाए। ट्रैक्टर्स लेकर के हाईवे पर नहीं जा सकते हैं, ये कल हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था। अब हरियाणा सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। शुक्रिया चमन आपका।